फरवरी 2 सदी पूर्व में कर्नाटक के बेलगाम जिले में एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। एक बार यहाँ पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया। इस नरभक्षी बाघ से जनता काफी डरी हुई थी। उस समय कित्तूर के राजा मलसरज का शासन था। अपने राज्य की जनता को डरा हुआ देख नरभक्षी बाघ को मारने के लिए राजा निकल पड़े। जल्द ही राजा को वह बाघ मिल भी गया। बाघ को देख राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाण लगने से बाघ घायल होकर गिर गया। जैसे ही राजा बाघ के पास पहुंचे तो वह चौंक गए। उन्होंने देखा कि बाघ के पास एक नहीं बल्कि दो दो तीर लगे हुए हैं। राजा को थोड़ी हैरानी हुई कि यह दूसरा तीर किसने चलाया। तभी उनकी नजर पास में खड़ी सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पे पड़ी। राजा को समझते देर न लगी कि दूसरा बाण उस कन्या का ही है। यह बहादुर कन्या कोई और नहीं बल्कि रानी चनम्मा थी, जो आगे चलकर कित्तूर की रानी बनी और अंग्रेजों से अंतिम सांस तक लड़ी। रानी चनम्मा का जन्म 23 अक्टूबर साल 1778 में कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव ककाती में हुआ। चनम्मा के पिता धुल्पा और माता पद्मावती ने उनका पालन पोषण बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह किया। चनम्मा को संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू जैसी कई भाषाओं के साथ साथ घुड़सवार, अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध कला की भी शिक्षा दी गई। चनम्मा बचपन से ही बहुत बहादुर और वीर थी, जिससे प्रभावित होकर राजा मलसरज ने उनसे विवाह कर लिया, जिसके बाद वह कित्तूर की रानी बन गई। साल 1824 में राजा मलसरज की अचानक मौत हो गई। कुछ ही महीनों बाद उनके इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। अपने बेटे की मौत के बाद रानी ने शिवलिंगप्पा नाम के बच्चे को गोद लेकर इसे अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत रानी के इस उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक औपचारिक तौर पर राज्य हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दे दिया। रानी ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिस्टन को एक पत्र भेजा और उसमें आग्रह किया कि वह कित्तूर के मामले में राज्य हड़प नीति लागू ना करे। लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने बड़ी ही बेरुखी से ठुकरा दिया। दरअसल अंग्रेजों की नजर कित्तूर के खजाने और आभूषणों के जखीरे पर थी, जिसका मूल्य उस वक्त करीब 15 लाख रुपए था। अक्टूबर 1824 में अंग्रेजी सैनिकों और रानी के बीच पहली लड़ाई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया। वहीं दो ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंस को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने वादा किया कि अब वह युद्ध नहीं करेंगे। तो रानी चनम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। इस युद्ध में सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनोरो मारा गया। वहीं रानी चनम्मा अपने सहयोगियों संगोली रैन्ना और गुरसित अप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के चलते वह हार गई। युद्ध में हार के बाद उनको बेलहेंगल के किले में कैद कर दिया गया और आज ही के दिन यानी 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। रानी चनम्मा पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। कित्तूर के युद्ध में भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले रानी चनम्मा के सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ रानी की बगावती तेवर ने भारत की रियासत को बदल कर रख दिया। इसी विद्रोह के बाद भारत के अन्य शासकों और सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह उत्पन्न हुआ, जो साल 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा गया। आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 21 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1894 में वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ था। साल 1965 में अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रवादी नेता मेलकम एक्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। न्यूयॉर्क में उन्हें उनके 400 समर्थकों के सामने गोली मारी गई थी। वहीं साल 1991 में फिल्म अभिनेत्री नूतन का निधन हुआ था। नूतन ने मात्र 14 साल की उम्र में हमारी बेटी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था।
साल 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। आज के दिन साल 2001 में इस सदी के पहले महाकुंभ का महाशिवरात्रि के दिन समापन हुआ था। वहीं साल 2013 में भारत के हैदराबाद में हुए बम धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 120 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।